इस जूस में मैं अच्छी तरह उसे ऐड कर दूंगी ताकि मेरी स्किन के सारे डेड सेल और वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सारे निकल के बाहर आ जाए। और मेरे हे फ्रेंड्स, जय माता दी, जय गुरु जी। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे पहले से जानते हैं और मुझे पूछते हैं कि आजकल तेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो ग्लो हो रही है, तू क्या करती है, तो मैं इनको बता दूँ मैं बाहर का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती। मैं स्लो एंड स्टडी रिजल्ट देने वाले सारे घर के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपनी किचन से, और जो चीज़ें हमारे खाने के काम आती हैं और वही हमारे फेस पर भी हम एक्सटर्नली उनको अप्लाई कर सकते हैं, उनका आसम रिजल्ट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो देखते रहिए। आज मैं आपके लिए ये देख रहे हो क्या है, वाटरमेलन, जिसको कभी हमारे पापा, मेरे पापा ऐसे तिकोना सा काट के बीच में चीनी भर के और टंकी में डुबो देते थे कि ताकि ये मीठा हो जाए। और ये मीठा सा फल खाली हमारी स्किन को इंटरनली ही ठीक नहीं करता बल्कि एक्सटर्नली भी बहुत हमारी केयर करता है। इसमें होता है नेचुरल ग्लूथाइन और कैल्शियम और विटामिन सी, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही कंपल्सरी है। और इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को अंदर से भी डिहाइड्रेट करते हैं और बाहर से भी। जिस तरह हमारी स्किन को अंदर से पानी की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत को ये पूरा करता है गर्मियों में, उसी तरह ये हमारे जब शरीर चेहरे की नमी खो जाती है कहीं, तो ये वाटरमेलन के फेशियल से हम वो नमी वापस ला सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको आज अपने किचन में ले जाती हूँ, पर उससे पहले जल्दी जल्दी से हम लोग यहीं बैठ के कर लेते हैं हम गुरुजी के मंत्र का जाप। तो चलो आप भी मेरे साथ शुरू हो जाओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं फिर किचन में। इसकी सीड्स मैंने निकाल के अलग कर ली हैं, ये देखिए। और ट्रांसपेरेंट एलोवेरा आपके पास जो हो, आप प्लांट बेस्ड भी ले सकते हैं, नहीं तो घर पे जो अवेलेबल हो वही लें। और थर्ड वन इज़ कॉफ़ी, मैंने 2 रुपये वाला कॉफ़ी का पाउच लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और ये है गुड़हल का पाउडर, जी हाँ ये वही फूल है जो काफ़ी बार हमें गार्डन्स, पार्क एरिया में, घरों के बाहर ये दिखता है बड़ा सा लाल फूल। तो ये मैंने इसका मार्केट से परचेस कर लिया था, गुड़हल का चूर्ण यानी कि गुड़हल के फूल का पाउडर। तो आप अपने घर पर भी इसको सुखा कर पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं इजली। तो मेरे पास ये फ्लावर्स नहीं थे इसीलिए मैं बाज़ार से ले आई हूँ। तो इसको हम मैश कर लेते हैं अच्छी तरह, दबा दबा के किसी फॉक की हेल्प से, या बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर बहुत ही ज़्यादा जूसी हो जाता है और हमें इतना ज़्यादा जूसी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा पल्पी ही चाहिए, इसीलिए मैं फॉक के साथ इसे दबा रही हूँ। ये देखिए पानी और पल्प अलग अलग हो गया है, पल्प नीचे और ऊपर पर पानी आ गया है, मेलन का जूस आ गया है। तो मैं थोड़ा सा जूस दूसरे बाउल में निकाल लूँगी, आप चाहे तो छान के भी निकाल सकते हो, बट मैं बड़ा ही ऐसे ही काम करती हूँ रफ टफ, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही निकाल लिया। और इस कटोरी में भी थोड़ा सा मैं जूस निकाल लूँगी। आप सोच रहे होंगे कि ये दो दो जगह जूस क्यों, तो अभी मैं बताती हूँ क्यों। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें स्किन की करनी है पॉलिशिंग यानी कि स्क्रबिंग, और स्क्रबिंग के लिए मैंने ले लिया है ये कॉफ़ी का पाउच, और इस जूस में मैं अच्छी तरह उसे ऐड कर दूंगी ताकि मेरी स्किन के सारे डेड सेल और वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स सारे निकल के बाहर आ जाए और मेरी स्किन एकदम टैन प्रूफ हो जाए, जो टैन हुआ होगा धूप से वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैं ऐसे फॉक से ही मिक्स कर लेती हूँ, आप उंगली की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हो। तो ये है मेरा पहला स्टेप स्क्रबिंग। और दूसरे जूस में मैं थोड़ी ऐड कर लूँगी एलोवेरा, और ये आप समझ ही गए होंगे ये मैंने क्यों की, ये मेरे मसाज का काम करेगा मेरी स्किन में। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये मजाक ना समझे फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, ना इफेक्ट हुआ तो दोबारा हाथ मत लगाना, बट मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करें, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। और ये DIY वही लोग कर सकते हैं जिनके पास खुद के लिए टाइम हो, जो केमिकल से खुद को बचाना चाहते हो, वरना आप बाहर का रास्ता देख सकते हैं। ये मेरी उन्हीं बहनों के लिए है, ये मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, सिर्फ बहनें ही नहीं भाइयों के लिए भी है।
जो अपने स्किन को रिफ्रेशिंग रखना चाहते हैं समर्स में, टैन फ्री रखना चाहते हैं। और ये जो है इसके पल्प को हम अलग नहीं करेंगे क्योंकि ये स्किन के लिए हमारे वरदान है, फुल ऑफ विटामिन सी, ग्लूथायन, जिसको ग्लूथायोन पता नहीं क्या कहते हैं आजकल, जो भी कहते हैं मेरे से बोला नहीं जा रहा, ग्लूथान, तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं इसमें बहुत सारी। मैंने 2-3 बार ट्राई किया है और मेरी स्किन एकदम में से चमकदार नीट सी हो गई है। तो इसमें मैं अब ऐड कर लूँगी थोड़ा सा गुड़हल का पाउडर, और ये आप समझ गए होंगे ये मेरे फेस पैक के लिए। इसको भी अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है ताकि सारी गुड़हल के फूल के प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएं। गुड़हल के फूल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन को टाइट, ब्राइट और शाइन करता है। बोटेक्स की कमाल होते हैं इसमें, इसमें नेचुरल बोटेक्स होता है और विटामिन सी के साथ बोटेक्स मिलके तो गजब का निखार लाता है हमारे चेहरे पे। तो मैं आपको लाइव ही सब कुछ करके दिखाऊंगी। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और अपना फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। तो चलो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। फेशियल शुरू करने से पहले कोई भी पुराना कपड़ा जो टॉवल अपने आप को रैप कर लें। तो मैंने ये कृष्णा की टी शर्ट रैप कर ली है खुद से, मैली टी शर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट हम करते हैं स्क्रबिंग का, इसको अपनी स्किन पे अच्छी तरह अप्लाई करें। मैंने पहले फेस वॉश कर लिया है अपना, अपने DIY फेस वॉश से मैंने खुद पे बनाया हुआ एक पाउडर फॉर्म में, उसका भी मैं कभी आपको बताऊंगी टाइम मिला तो। पहले मैं खुद पे उसकी ट्राई कर रही हूँ, तो जब उसका अच्छा रिजल्ट मेरे को दिखेगा तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये मैंने स्क्रब वाला जिसमें वाटरमेलन के जूस में स्क्रबिंग जो बनाई हुई है वो यूज़ कर रही हूँ। नाक के आसपास उसे अच्छी तरह रब कीजिए। आप चाहे तो नेक वाला एरिया भी कर सकते हैं बट मैं अभी नहीं करूँगी। तुरंत ग्लो देता है ये वाला समर फेशियल, आपके सामने ही होगा जो भी होगा। आज मैं बाहर ही बैठ गई हूँ लॉबी में क्योंकि मेरे बेडरूम में कृष्णा पारू के साथ बैठा हुआ है, और पारू के सामने मैं ऐसे करते तो वो मेरे से पंगे लेता, बीच बीच में आता बार बार। तो देखिए स्क्रबिंग करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं, कहाँ कहाँ तक फैल गया। तो अब मैं इसे आपके सामने रिमूव करूँगी। तो मैंने एक जग में पानी डाल लिए, उसमें टॉवल डिप करके इससे मैं पहुँचूँगी। आप टिश्यू पेपर की हेल्प से भी इसे साफ कर सकते हैं बट टॉवल इज बेस्ट आइडिया है। मात्र स्क्रबिंग से ही देखिए चेहरा कितना नीट लग रहा है आपके सामने है। और मेरे ये जहाँ से जितने भी डेड स्किन, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं वो भी रिमूव हो गए हैं। और अब बारी आती है मसाज क्रीम की, और मसाज क्रीम के लिए मैंने आपको जिससे दिखाया वाटरमेलन के जूस में मैंने ये एलोवेरा मिला ली थी और ये क्रीमी सा बन गया है टेक्सचर इसका, ये देखिए। इसको अब मैं अपने हाथ पे ऐसे लेके अपने चेहरे पे अच्छी तरह मसाज करूँगी। पूरे फेशियल स्टेप्स की तरह की करना, वो स्टेप्स बहुत ही आसान है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ से शुरू किया, मन में काउंट करो 20 बार ऐसे किया, फिर नाक के आर पार 20 बार, मन में काउंटिंग करिए, ऐसे नहीं है कि 1, 2, 3 ऐसा नहीं। दोनों हाथों से फिर इस तरह अपने चेहरे को टोन कीजिए। बहुत ही आसान से ये फेशियल के स्टेप्स हैं जो पलवर में हमारी स्किन को टाइट और ब्राइट कर देते हैं। राउंड राउंड ऐसे घुमाइए, और फिर ये तो सभी को पता है ये वाला स्टेप,
सभी को आता है। आपको बिल्कुल भी फील ही नहीं होगा कि किसी जूस में आपने एलोवेरा मिक्स की हुई है, आपको ऐसे ही लगेगा कि कोई मसाज क्रीम हम अपने चेहरे पर रब कर रहे हैं। और फोरहेड को तो बिल्कुल भी मत भूलिए, फिंगर्स की हेल्प से इसे ऐसे ऐसे मालिश कीजिए अपने माथे पे। और आंखों के अराउंड का एरिया, इस पे ज़्यादा प्रेशर ना डालें, ये बहुत ही नाजुक एरिया होता है फ्रेंड्स। बिल्कुल स्लोली स्लोली ऐसे एंटी क्लॉक वाइज भी आंखों के आसपास उंगली को घुमाएं। और इस तरह हाथ करके इस तरह अपने चेहरे को गोलाई के आकार में घुमाएं अपनी उंगलियों को। बहुत ही इजी और छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये, जिनसे हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही टाइट होती है। और गलत स्टेप करने से नुकसान भी होता है हमारी स्किन को। और कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे चेहरे के, हमारे फेस पे, यहाँ ये आईब्रो के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ यहाँ देखो किस तरह मेरी स्किन ने सारी क्रीम पी ली है, जिससे इसे कितनी प्यास लगी थी, क्योंकि हमारी स्किन भी डिहाइड्रेट होना चाहती है। गर्मी में इसकी नमी भी ख़त्म हो जाती है, जिस तरह हमें अंदर पानी पीने की ज़रूरत होती है इंटरनल बॉडी को, उसी तरह एक्सटर्नल भी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। तो आप सोच रहे होंगे कितना बोलती है, भाई देखो जब तक मैं आपको ठीक ढंग से ना समझाऊँ कोई बात तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बीचों बीच आपसे बातचीत भी करती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। ये नहीं है कि अपना काम रोक के मैं आपसे खाली गप्पे मार रही हूँ, मैं खुद का फेशियल भी कर रही हूँ और आपको इजली सब कुछ सिखा भी रही हूँ। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, और अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो प्लीज़ फेशियल के साथ साथ ही आप लोग जल्दी से मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आपको मुश्किल लग रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 6 से 7 मिनट मुझे हो गए हैं मसाज करते हुए अपने चेहरे को, तो अभी बारी आती है इसको भी रिमूव करने की, तो मैं जल्दी से रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है, तो मैं फिर से गीला टॉवल ले लेती हूँ। पानी मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि वो कॉफ़ी की वजह से काला हो गया था। देख रहे हो ग्लो, पास से दिखाती हूँ, ये कोई शैडो से पड़ रही है यार, कहाँ से आ रही है। सॉरी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कोई, क्योंकि मैं ज़्यादा टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल करती, मैं वैसे बड़े ही सिंपल और सोबर तरीके से आपको सिखाती हूँ, आप देखते ही हैं हमेशा। तो ये देखिए, जिसमें मैंने गुड़हल के फूल का पाउडर मिक्स किया था, तो पल्प में कितनी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो ये मैं अब आपको चेहरे पर लगा के दिखाती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है ये पल्प भी आप अपनी स्किन पे लगाएं, क्योंकि वो फिर ऐसे गिरता रहेगा, तो मैं इसका पानी ही लगाऊंगी एज ए फेस पैक। आप चाहें तो इस पानी में बेसन भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पूरा इसका इफ़ेक्ट चाहिए गुड़हल के फूल का और वाटरमेलन का,
बहुत बढ़िया ग्लूथाइन बन के तैयार हो गया ये, जो हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, सफल और फेयर करता है। ये हमें 3 बार लगाना है, जैसे कि अभी ये मेरा सूखेगा अभी थोड़ा थोड़ा, इसके ऊपर एक और लेयर लगानी है ताकि अच्छी तरह स्किन मेरी इसको पी सके, अंदर तक चला जाए मेरी स्किन के ये। अगर आप अपने नेक पे भी मसाज करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं तो ये नेक पे भी आप लगाएं, जिस जिस बॉडी पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पार्ट पे, वहाँ ये तीनों स्टेप्स एक साथ ही करें। ये नहीं कि कहीं से स्क्रबिंग कर ली और पैक नहीं लगाया और कहीं पैक लगा लिया और पॉलिशिंग नहीं की और मसाज नहीं की, ये तीनों स्टेप एक साथ ही फॉलो करोगे तो ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने 2 लेयर्स लगा दी हैं तो अभी मैं इसको सूखने देती हूँ थोड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी 2 लेयर एकदम सूख गई हैं, तो अब बारी है 3री लेयर की। तो ये मैं 3री लेयर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को देखने में मुश्किल लग रहा होगा कि ये बार बार ये क्या करें, ये क्या करें, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये DIY वही लोग करें जिनके पास खुद के लिए वक्त हो और जो खुद को केमिकल फ्री रखना चाहते हों, तो ये DIY उन्हीं लोगों के लिए है जो एक हेल्दी और स्वस्थ स्किन चाहते हैं। रंग चाहे काला हो चाहे गोरा, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्किन का हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी है। चलो फिर इसे सूखने देते हैं, तब तक मैं थोड़ा वाटरमेलन और खा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पैक पूरी तरह सूख गया है, तो अब मैं इसे रिमूव करती हूँ टॉवल की हेल्प से। आप टैप वाटर से भी डायरेक्ट मुंह धो सकते हैं। ये देखिए रिजल्ट, कितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन चेहरा मेरा लग रहा है। भाई मैंने किया, मुझे तो खुद को लग रहा है, पर अगर आपको भी लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं रोशनी में जाके दिखाती हूँ आपको थोड़ा। देखा ग्लो। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये DIY समर फेशियल ज़रूर पसंद आया होगा, तो मेरी तरह आप भी इस वाटरमेलन को खाइए और अपनी स्किन को भी खिलाइए और पाइए एक स्वस्थ और हेल्दी स्किन। और जिस जिसको मेरा आज का ये DIY अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसका रिजल्ट भी शेयर करें, मेरे कहने से एक बार ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा ना लगे तो नेक्स्ट टाइम आप ना फॉलो करें, बट प्लीज़ एटलीस्ट एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलूंगी कल अपने नए ब्लॉग में। लगा दीजिए जोर से जयकारा, जयकारा शरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय।